नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त नगर निगम की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं कि अम्बाला शहर नगर निगम में हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहे हैं, एक बार खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नगर निगम में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो यहां पर विरोध जताते हुए नज़र आ रहे हैं, वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मामला अकाउंट ऑफिसर से जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा हुआ है, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और देख सकते हैं आपकी कर्मचारी जो है वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना गुस्सा अपनी नाराजगी सामने अधिकारी जो है वो हाथ भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैमरा देखते ही देखिए किस तरह से कर्मचारी अधिकारी जो है वो मौके से निकल जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अकाउंट ऑफिसर के कमरे के बाहर जो कर्मचारी हैं वो काफी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और अपने विरोध जता रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है फिलहाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये पूरा मामला हुआ है उसको लेकर बातचीत भी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अम्बाला शहर नगर निगम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कर्मचारी जो है वो एक अम्बाला नगर निगम में इकट्ठा हुए हैं, कामकाज उन्होंने रोक रखा है, माफी मंगवाने की बातें कही जा रही है, माफी मंगवाने की बातें कही जा रही है। पीछे भी मैं दिखा दूं आपको कि काफी तादाद में नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं एकजुट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन ये किस लिए किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत भी जरूर करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या कुछ वजह है इस प्रदर्शन की, वो जरूर जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? सर राजेंद्र कुमार है। क्या मामला हुआ, ये सफाई कर्मचारी जो हैं सारे इकट्ठे हो गए, कामकाज ठप्प कर रखा है? सर मैं इनकी सैलरी की फाइल लेके गया था कल चीफ अकाउंट ऑफिसर के कमरे में जी। तो मैंने कहा भी ईओ साहब ने कहा भी इनका चेक बना दो, सैलरी बहुत पहले लेट हो चुकी है। तो उन्होंने मेरा कमरे से बाहर निकल, करीब एक चतुर श्रेणी कर्मचारी ना सैलरी लेके आएगा ना बनाएगा, उसने मेरे को कमरे से बाहर निकाल दिया ये कह के ये मामला। एक कर्मचारी बता रहे हैं आपके साथ धक्का मुक्की भी की गई, वो सर वो एक महीने पहले की बात है। हाँ जी, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? नहीं सर, डिमांड है हमारी एक तो इनकी सैलरी जो बढ़ा के दी गई है सरकार द्वारा वो दी जाए और एक इनका मतलब सैलरी जल्दी से जल्दी इनके खाते में डाली जाए। कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? इसी महीने की सर, एक महीने। तो बिल्कुल 17 तारीख हो गई है, सैलरी नहीं मिली है और जो है दुर्व्यवहार के बात कही जा रही है कि यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सैलरी को लेकर फाइल लेकर जो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पास पहुँचे थे और वहाँ पर उनकी तरफ से व्यवहार जो है वो ठीक नहीं किया गया, कह दिया गया कि आप यहाँ पर फाइल लेकर नहीं आएंगे क्योंकि आप एक फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। और उसी का विरोध, उसी की तस्वीरें हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। खबर को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं और वो भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं, वो क्या कुछ मसले का हल करते हैं ये भी देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। लेकिन फिलहाल खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि नगर निगम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, नगर निगम लगातार जो है वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है नगर निगम में होता रहता है। और तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है, सफाई कर्मचारी जो हैं उनके कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं हों पुरुष हों वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नगर निगम में फ़िलहाल सफाई कर्मचारी जो हैं उन्होंने कामकाज जो है वो रोका हुआ है। अकाउंट ऑफिसर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुर्व्यवहार एक कर्मचारी के साथ किया है, जो सैलरी की फाइल लेकर वहाँ पर पहुँचे थे उन्हें कह दिया गया कि आप फोर्थ क्लास जो के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के आप कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो यहां पर सफाई लेकर जो है वो नहीं पहुंचेगा। फिलहाल अधिकारियों की प्रतीक्षा जो है वो यहां पर हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो फिलहाल कर्मचारियों की बात यहां पर सुनने के लिए पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां पर भी नजर जाएगी वहां आपको ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए पाए जाएंगे, वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप किया गया है और विरोध और गुस्सा जो है वो यहाँ पर लगातार जाहिर किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है वो पूरा विस्तार से हम एक बार आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों का आरोप है कि इनके एक कर्मचारी जो पिछले कई वर्षों से इनकी सैलरियाँ बना रहे थे और उस पर अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर सैलरियाँ रिलीज़ करवा रहे थे, वो एक बार फिर इस महीने में जो है वो सैलरी की फ़ाइल लेकर अकाउंट ऑफिसर के पास पहुँचते हैं तो वो उन्हें वहाँ ये कहकर वापस भेज देते हैं कि आप फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, आप यहाँ पर मत आइएगा, फोर्थ क्लास का कोई भी कर्मचारी सैलरी से संबंधित जो कार्य है वो नहीं करेगा। इस तरह के आरोप जो हैं वो सफाई कर्मचारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं।
फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा कि नगर निगम में एक बार फिर हंगामा जो है वो बरपता हुआ नज़र आ रहा है। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो एकजुट हुए हैं, वो लामबंद हो गए हैं कि ये कर्मचारी जिन्होंने इस तरह की बात की है और अभद्र व्यवहार किया है उन पर कार्रवाई जरूर की जाए। क्या कुछ कहना है ये एक बार बात कर लेते हैं। प्रधान जी, इकट्ठे हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? ऐसे है, सरकार द्वारा एक लेटर आया था 1000 रुपये का। अरे सुन दे करो भाई, सरकार द्वारा एक लेटर आया था सफाई कर्मचारी जो हमारे कच्चे डेली वेज आदमी है। चलो इनको पहली 2 तारीख को कमिश्नर साहब हर महीने सैलरी दे रहे थे, बहुत अच्छी तरह से मिली थी। हमने खुद मिलकर कहा भी कोई बात नहीं, 2-4 दिन लेट कर देना इनकी सैलरी के, हमारे कर्मचारियों को 1000-1000 रुपये लग के मिलने चाहिए दे। वो तारीबाजी ने क्या करा, उनकी सैलरी बना दी। सीनियर साहब ने कहा ये बिल पाड़ कर मेरे को पुराने रेट वाली सैलरी लेके आ, जे वो कल गया तो उसको धक्का मुक्की करके उन्हें कहा तू सफाई कर्मचारी है तो आप इसको आप सैलरी नहीं बनाएंगे। पहले सैलरी कौन बनाता था? तारीबाज जी, जिंदर तारीबाज बनाते थे जी, 10 साल से सैलरी बना रहा है। ये हमारे समाज को नीचा दिखाना चाहे हो, ये हमारे को ये कहता है सफाई कर्मचारी कोई पेन आला नहीं होना चाहिए दफ्तर के अंदर। कि हमारे पास ऑब्जेक्शन ऐसा कि हम अपने अब डिमांड क्या आप लोगों की, हमारी डिमांड MLA साहब से, स्वास्थ्य मंत्री नील भी से, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ से बदल कर कहीं और लगाया जाए, जिससे हम अच्छा नहीं समझते। रोज रोज आके हम गेट मीटिंग करें, हड़ताल करें और हमारी भी समस्या और सफाई में व्यवस्था खराब हो। PO कमिश्नर साहब या DMC साहब किसी से बात हुई? मेरी अभी 2 मिनट बात हुई है, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। मारते हम अच्छा नहीं समझते, अगर रोज हम धरना दे मैं, जो कि हमारी कोई भी पीछे डिमांड नहीं रुकी हुई है कि सरकार द्वारा हमारे को यही चार पीछे थी। इन्हें बिल पटवाने के बाद हमारे को, हमारे समाज का बंदा एक वाल्मीकि जाति से संबंधित है, वो इसने सीनियर ने धक्का मुक्का ही करके बाहर निकाला। पिछले महीने में वहाँ मौजूदा था, इन्हें मेरे साथ धक्के देने, मेरे को कहने का सतपाल तू मेरा छोटा भाई है, इसको कह दे भाई मेरे से गलती होगी। उसी टाइम भी मैं हड़ताल करा सकता था, अब ये मुकर रहा है। मैं अपने बच्चे, मेरे पोते हैं, बोतियाँ हैं, मैं पीर पर लेकर कसम खाना चाहता हूँ, या सीनियर अपने पोता को लेकर आ जाए। इसने कहा कि वाल्मीकि जाति से मैं बहुत नफरत है जी। तो जातिगत जो आरोप हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जातिवाद की बात जो है आरोप कर्मचारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इनका यही कहना है कि नगर निगम कमिश्नर से इनकी बात हुई है, उनसे अभी बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, अधिकारी का जो है वो ट्रांसफर तबादले की मांग पर अड़े हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो यहाँ पर लामबंद हो गए हैं, कामकाज ठप्प कर दिया है। और अधिकारी कब इनसे बातचीत करते हैं, अधिकारी कब तक इनकी सुनते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। सफाई कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं अभद्र व्यवहार के, और उसके साथ साथ जातिगत बात भी की है। इस समय CSA हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सैलरी की बात कर रहे हैं, ये अभद्र व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? ये हमारे कर्मचारी ने बताया है कि उनको सैलरी को लेकर कुछ आपसी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चीफ अकाउंट अफसर के बीच और हमारे कर्मचारी के बीच, जिसके बारे में हमारे अधिकारी अभी बात कर रहे हैं और जैसे भी कुछ निर्णय होता है हम आपको बता देंगे। सर, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अकाउंट ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी 4th क्लास कर्मचारी सैलरी से संबंधित फाइल लेकर नहीं आएगा, जबकि कर्मचारी कह रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से वही बंदा जो है वो फाइलें लेकर जा रहा है। हाँ, ये कर्मचारी पिछले कई सालों से पढ़ा लिखा अच्छा है ये, और ये क्लर्क के उसे काम भी कर रहा है विपरीत, अच्छा काम करने वाला लड़का है, लेकिन ये जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बारे में जल्द ही कुछ करके खत्म कर दिया। कर्मचारियों ने कामकाज अभी फिलहाल रोक रखा है, इन्हें किस तरह समझाएंगे? इनसे बात हो चुकी है, अब ये सभी अपने अपने काम पर जा रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कर्मचारी यहाँ हड़ताल करेंगे या रुकेंगे जी। तो बिल्कुल कर्मचारियों से बातचीत हो गई है, कर्मचारी हड़ताल जो है अपना कामकाज जो इन्होंने रोका है उसे दोबारा शुरू अपने अपने काम पर जाएंगे, और जाँच की बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात यही होगी कि जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम को देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त नगर निगम की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं कि अम्बाला शहर नगर निगम में हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहे हैं, एक बार खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नगर निगम में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो यहां पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मामला अकाउंट ऑफिसर से जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा हुआ है, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और देख सकते हैं आपकी कर्मचारी जो है वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना गुस्सा अपनी नाराजगी सामने अधिकारी जो है वो हाथ भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैमरा देखते ही देखिए किस तरह से कर्मचारी अधिकारी जो है वो मौके से निकल जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अकाउंट ऑफिसर के कमरे के बाहर जो कर्मचारी हैं वो काफी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है फिलहाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये पूरा मामला हुआ है उसको लेकर बातचीत भी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अम्बाला शहर नगर निगम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कर्मचारी जो है वो एक अम्बाला नगर निगम में इकट्ठा हुए हैं, कामकाज उन्होंने रोक रखा है, माफी मंगवाने की बातें कही जा रही है, माफी मंगवाने की बातें कही जा रही है। पीछे भी मैं दिखा दूं आपको कि काफी तादाद में नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं एकजुट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन ये किस लिए किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत भी जरूर करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या कुछ वजह है इस प्रदर्शन की, वो जरूर जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? सर राजेंद्र कुमार है। क्या मामला हुआ, ये सफाई कर्मचारी जो हैं सारे इकट्ठे हो गए, कामकाज ठप्प कर रखा है? सर मैं इनकी सैलरी की फाइल लेके गया था कल चीफ अकाउंट ऑफिसर के कमरे में जी। तो मैंने कहा भी ईओ साहब ने कहा भी इनका चेक बना दो, सैलरी बहुत पहले लेट हो चुकी है। तो उन्होंने मेरा कमरे से बाहर निकाल, करीब एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ना सैलरी लेके आएगा ना बनाएगा, उसने मेरे को कमरे से बाहर निकाल दिया ये कह के, ये मामला है। एक कर्मचारी बता रहे हैं आपके साथ धक्का मुक्की भी की गई, वो सर वो एक महीने पहले की बात है। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? नहीं सर, डिमांड है हमारी एक तो इनकी सैलरी जो बढ़ा के दी गई है सरकार द्वारा वो दी जाए, और एक इनका मतलब सैलरी जल्दी से जल्दी इनके खाते में डाली जाए। कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? इसी महीने की सर, एक महीने। तो बिल्कुल 17 तारीख हो गई है, सैलरी नहीं मिली है और जो है दुर्व्यवहार के बात कही जा रही है कि यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सैलरी को लेकर फाइल लेकर जो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पास पहुँचे थे और वहाँ पर उनकी तरफ से व्यवहार जो है वो ठीक नहीं किया गया, कह दिया गया कि आप यहाँ पर फाइल लेकर नहीं आएंगे क्योंकि आप एक फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। और उसी का विरोध, उसी की तस्वीरें हम आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। खबर को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं और वो भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं, वो क्या कुछ मसले का हल करते हैं ये भी देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। लेकिन फिलहाल खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि नगर निगम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, नगर निगम लगातार जो है वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है नगर निगम में होता रहता है। और तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है, सफाई कर्मचारी जो हैं उनके कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं हों पुरुष हों वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नगर निगम में फ़िलहाल सफाई कर्मचारी जो हैं उन्होंने कामकाज जो है वो रोका हुआ है। अकाउंट ऑफिसर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दुर्व्यवहार एक कर्मचारी के साथ किया है, जो सैलरी की फाइल लेकर वहाँ पर पहुँचे थे उन्हें कह दिया गया कि आप फोर्थ क्लास जे के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के आप कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो यहां पर सफाई लेकर जो है वो नहीं पहुंचेगा। फिलहाल अधिकारियों की प्रतीक्षा जो है वो यहां पर हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो फिलहाल कर्मचारियों की बात यहां पर सुनने के लिए पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां पर भी नजर जाएगी वहां आपको ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए पाए जाएंगे, वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप किया गया है और विरोध और गुस्सा जो है वो यहाँ पर लगातार जाहिर किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है वो पूरा विस्तार से हम एक बार आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों का आरोप है कि इनके एक कर्मचारी जो पिछले कई वर्षों से इनकी सैलरियाँ बना रहे थे और उस पर अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर सैलरियाँ रिलीज करवा रहे थे, वो एक बार फिर इस महीने में जो है वो सैलरी की फाइल लेकर अकाउंट ऑफिसर के पास पहुँचते हैं, तो वो उन्हें वहाँ ये कहकर वापस भेज देते हैं कि आप फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, आप यहाँ पर मत आइएगा, फोर्थ क्लास का कोई भी कर्मचारी सैलरी से संबंधित जो कार्य है वो नहीं करेगा। इस तरह के आरोप जो हैं वो सफाई कर्मचारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं,
फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा कि नगर निगम में एक बार फिर हंगामा जो है वो बरपता हुआ नज़र आ रहा है। नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो एकजुट हुए हैं, वो लामबंद हो गए हैं कि ये कर्मचारी जिन्होंने इस तरह की बात की है और अभद्र व्यवहार किया है उन पर कार्रवाई जरूर की जाए। क्या कुछ कहना है ये एक बार बात कर लेते हैं। प्रधान जी, इकट्ठे हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? ऐसे है, सरकार द्वारा एक लेटर आया था 1000 रुपए का। अरे सुन ले करो भाई, सरकार द्वारा एक लेटर आया था, सफाई कर्मचारी जो हमारे कच्चे डेली वेज आदमी है, चलो इनको पहली 2 तारीख को कमिश्नर साहब हर महीने सैलरी दे रहे थे, बहुत अच्छी तरह से दे रही थी। हमने खुद मिलकर कहा भी कोई बात नहीं, 2-4 दिन लेट कर देना इनकी सैलरी, कि हमारे कर्मचारियों को 1000-1000 रुपये लक्के महीने से ही दे। वो तारीबाजी ने क्या करा, उनकी सैलरी बना दी। सीनियर साहब ने कहा ये बिल पाड़ कर मेरे को पुराने रेट वाली सैलरी लेके आ, जे वो कल गया तो उसका धक्का मुक्की करके उन्हें कहा तू सफाई कर्मचारी है तो आप इसको आप सैलरी नहीं बनाएंगे। पहले सैलरी कौन बनाता था? तारीवाल जी, जिंदर तारीवाल बनाते थे जी, 10 साल से सैलरी बना रहा है। ये हमारे समाज को नीचा दिखाना चाहे हो, ये हमारे को ये कहता है सफाई कर्मचारी कोई पेन नाला नहीं होना चाहिए दफ्तर के अंदर, कि हमारे पास ऑब्जेक्शन ऐसा कि हम अपने अब डिमांड क्या आप लोगों की? हमारी डिमांड एमएलए साहब से, स्वास्थ्य मंत्री नील विज से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ से बदल कर कहीं और लगाया जाए, जिससे हम अच्छा नहीं समझते रोज रोज आके हम गेट मीटिंग करें, हड़ताल करें और हमारी भी समस्या सफाई में व्यवस्था खराब हो। पीओ कमिश्नर साहब या डीएमसी साहब किसी से बात हुई? मेरी अभी 2 मिनट बात हुई है, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। मारते हम अच्छा नहीं समझते अगर रोज हम धरना दें, मैं जो कि हमारी कोई भी पीछे डिमांड नहीं रुकी हुई है कि सरकार द्वारा हमारे को ये 4 पीछे थी इन्हें बिल पटवाने के बाद। हमारे को हमारे समाज का बंदा एक वाल्मीकि जाति से संबंधित है, वो इसने सीनियर ने धक्का मुक्का ही करके बाहर निकाला। पिछले महीने में वहाँ मौजूदा था, इन्हें मेरे सामने धक्के देने, मेरे को कहने का सतपाल तू मेरा छोटा भाई है, इसको कह दे भाई मेरे से गलती होगी। उसी टाइम भी मैं हड़ताल करा सकता था, अब ये मुकर रहा है। मैं अपने बच्चे मेरे पोते हैं पोतियाँ हैं, मैं पीर पर लेकर कसम खाना चाहता हूँ या सीनियर अपने पोता को लेकर आ जाए। इसने कहा कि वाल्मीकि जाति से मेरे बहुत नफरत है, तो जातिगत जो आरोप हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जातिवाद की बात जो है आरोप कर्मचारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इनका यही कहना है कि नगर निगम कमिश्नर से इनकी बात हुई है, उनसे अभी बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, अधिकारी का जो है वो ट्रांसफर तबादले की मांग पर अड़े हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि महिलाएँ और पुरुष कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो यहाँ पर लामबंद हो गए हैं, कामकाज ठप्प कर दिया है। और अधिकारी कब इनसे बातचीत करते हैं, अधिकारी कब तक इनकी सुनते हैं, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। सफाई कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं अभद्र व्यवहार के, और उसके साथ साथ जातिगत बात भी की है। इस समय सीएसए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सैलरी की बात कर रहे हैं, ये अभद्र व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? ये हमारे कर्मचारी ने बताया है कि उनको सैलरी को लेकर कुछ आपसी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चीफ अकाउंट अफसर के बीच और हमारे कर्मचारी के बीच, जिसके बारे में हमारे अधिकारी अभी बात कर रहे हैं और जैसे भी कुछ निर्णय होता है हम आपको बता देंगे। सर, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अकाउंट ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी 4th क्लास कर्मचारी सैलरी से संबंधित फाइल लेकर नहीं आएगा, जबकि कर्मचारी कह रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से वही बंदा जो है वो फाइलें लेकर जा रहा है। हाँ, ये कर्मचारी पिछले कई सालों से पढ़ा लिखा अच्छा है ये, और ये क्लर्क के उसे काम भी कर रहा है विपरीत, अच्छा काम करने वाला लड़का है, लेकिन ये जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बारे में जल्द ही कुछ करके खत्म कर दिया। कर्मचारियों ने कामकाज अभी फिलहाल रोक रखा है, इन्हें किस तरह समझाएंगे? इनसे बात हो चुकी है, अब ये सभी अपने अपने काम पर जा रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कर्मचारी यहाँ हड़ताल करेंगे या रुकेंगे जी। तो बिल्कुल कर्मचारियों से बातचीत हो गई है, कर्मचारी हड़ताल जो है अपना कामकाज जो इन्होंने रोका है उसे दोबारा शुरू अपने अपने काम पर जाएंगे, और जाँच की बात कही जा रही है, तो देखने वाली बात यही होगी कि जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम को देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड।